make a good CV, apply for it, and you have to be a good speaker. कितना बैंड आया था IELTS में? 6.5. और आपने कौन सी सिटी में दिया था IELTS? मैंने जलंधर में. अगर अपनी ग्रामर सुधार लोगे तो आपकी इंग्लिश ना, अगर आप 40% भी बोलते हो ना, तो 80% हो जाएगी, डबल हो जाएगी. IELTS नहीं की आपने तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं कभी. कि तुम जब जाओगे तो कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं बन सकते. आफ्टर 2 hours लेक्चर, देर इज अ लाइक 2 to 3 लेक्चर्स इन अ डे, 2 hours. या जब मैंने टिकट लिया ना तो 110 का लिया, 1,10,000. 1,10,000 का टिकट खरीदा है, लाइक ऑलमोस्ट 1,100 pounds. कैसे हो सब लोग यार? मैं आया हूँ अभी, मतलब मैं जा ही रहा था कहीं, मैं कुछ कर भी नहीं रहा था. मैंने प्लानिंग में नहीं की थी कोई वीडियो बनाने की एक्चुअली में. फिर मेरे को एक अपना भाई दिख गया और इससे बात करी मैंने थोड़ी, पंजाब से है, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप सबके साथ. तो भाई आ जा कैमरे पे, आ जा. क्या नाम है भाई तेरा? नाम गुरजोत है. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. कैसे चल रहा है सब? बढ़िया बढ़िया. कहाँ से है भाई आप? हो कहाँ से? कपूरथला से. कपूरथला, अरे वाह, कपूरथला वाले मामा जी का बेटा. कैसे चल रहा है सब यहाँ पे? बढ़िया बढ़िया चल रहा है. तो भाई यूके में आपको कितना टाइम हो गया? यूके में अप्रोक्सीमेटली 11 months हो गए. 11 months हो गए. और आप क्या करने आए थे यूके में? स्टडी बेस पे आया था. अच्छा, और क्या पढ़ रहे थे? मैं बैचलर्स पढ़ रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस. अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस बैचलर्स. जब आप आए थे तो IELTS किया था आपने या बिना IELTS के किया था? आई अप्लाइड विद IELTS. ओह, तेरी विद इंग्लिश. या दैट्स इट. बढ़िया. तो कितने बैंड आए थे IELTS में? आई स्कोर्ड 6.5. 6.5. तो भाई मुझे ये पूछना था आपसे कि इतने सारे मुझे बच्चे कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बिना IELTS के आ जाएं क्या? क्या आपको लगता है आना चाहिए या नहीं? यू के बिना IELTS के आना चाहिए या नहीं? भाई जिसका मोटिव है मेरे को पढ़ना है और पढ़ के बस डिग्री लेनी है, मेरे को कोई काम ढूंढना है इंडिया जाके बढ़िया, तो आ जाए. अगर उसका ये एम है कि मैं यहाँ पर आके पैसे कमा लूँ कि सेटल हो जाऊँ आते ही, वो नहीं होता यहाँ पर. तो मतलब अगर आप IELTS का एग्ज़ाम नहीं देकर आ रहे हो, मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ बस आओ और वापस चले जाओ पढ़ के. हाँ, बस डिग्री लेके जाओ बस. तो और इंडिया में काम आएगी, यहाँ पे कुछ काम की नहीं है. मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है. हाँ, तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ये बोलेगा यहाँ पर आप सेटल नहीं हो सकते. और हो गए भी तो छोटे मोटे काम करोगे. कैसे काम करेंगे अगर इंग्लिश नहीं आती जिन बच्चों को जो पढ़ने आना चाहते हैं? भाई दिहाड़ी करेंगे और क्या है, सभी का यही हाल होता है यहाँ पे. जब कोई हमारे पास नॉलेज नहीं आती, बस हमसे कोई सामान ले लो, ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो बस. अगर इंग्लिश नहीं आती तो तू बोल रहा है कि आपको ऐसे काम मिलेंगे दिहाड़ी मजदूर वाले, चाहे वो 50 pounds दे चाहे वो 60 pounds दे, कोई फर्क नहीं, मतलब आप मजदूरों की तरह काम कराएंगे. और कैसे काम करेंगे अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो? एक तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा. अगर आपको IELTS नहीं आती ना, IELTS नहीं की आपने, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं कभी. कि तुम जब जाओगे तो कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं बन सकते. जब तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इंग्लिश पूरी प्रॉपर बोल सकता हूँ कि नहीं, तुमको भी कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं बन सकते. और हर किसी जॉब के लिए, अगर तुम्हें कोई भी जॉब मिलती है, अगर काउंटर पे कोई जॉब है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. उसके बिना कोई नहीं रखता यहाँ पे. बहुत सही बात कही है. हर बार मैं यही बोलता हूँ वीडियोज़ में, जो देख रहे होंगे सबको बताऊंगा, मतलब इंग्लैंड आ रहे हो और इंग्लिश ही नहीं आती, ये तो वही बात हो गई कि आप पंजाब में रह रहे हो, पंजाबी नहीं आती, या कहीं और रह रहे हो, हिंदी नहीं आती इंडिया में रह रहे हो, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो मतलब तू भी खुद बोलता है कि तूने IELTS दिया था और बिना IELTS, IELTS का मतलब यही हो गया ना कि आपको इंग्लिश बेसिक आती है. बेसिक ग्रामर है, ग्रामर मेन होती है. नॉर्मल इंग्लिश तो कोई भी समझ लेता है, अगर ग्रामर नहीं आती होगी तो वो अपनी बात नहीं समझा पाएंगे. जैसे कितना बैंड आया था IELTS में? 6.5. और आपने कौन सी सिटी में दिया था IELTS? मैंने जलंधर में. अच्छा, जलंधर से ही किया था, ठीक है. तो पर भी जलंधर ही दिया मैंने. ठीक है. जब भाई फ्लाइट पकड़ी आने से पहले IELTS हो गया, और फिर यहाँ आने से पहले और क्या क्या चीज़ों की प्लानिंग की थी आपने? पहले तो मैंने फ्लाइट, जो यहाँ पे फ्लाइट थी ना, मेरा वीज़ा ही बहुत ऐसे टाइम पे आया कि मेरे पास कुछ प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं था. मैं लेट अप्लाई था ऑलरेडी, और मेरा वीज़ा आया मेरे पास 5 दिन थे सिर्फ. और ये लास्ट ईयर की बात है? कौन से महीने की? ये नवंबर. तो 5 ही दिन थे वीज़ा आया और फ्लाइट पहले ही बुक करा ली थी. जब वीज़ा आया ना मेरा, तो पहले मेरे को वीज़ा नहीं मैंने देखा, पहले मैंने अपनी टिकट बुक करवाई. पर ऐसा क्यों करते हो यार? क्या करें, मतलब जब वीज़ा आया तो वीज़ा देख कर प्लान करके टिकट बुक करानी चाहिए थी. अब वीज़ा आ गया तो कहीं भाग के थोड़ी चला जाएगा. पता क्या है बात? तब नवंबर के पास आपको पता है क्रिसमस आती है. अच्छा, आती है ना, उसके बाद टिकट बहुत महंगा होता है. जब मैंने टिकट लिया ना तो 110 का लिया, 1,10,000. 1,10,000 का टिकट खरीदा है, लाइक ऑलमोस्ट 1,100 pounds, क्योंकि 5 दिन के अंदर वन वे. और वन वे ही टिकट खरीद के आए?
अच्छा ठीक है, तो टिकट खरीद लिया, उसके बाद क्या हुआ फिर? यार टिकट खरीदने के बाद बस दो दिन ही बचे बाद, बाकी शॉपिंग छोटी मोटी शॉपिंग करके, मैं तो अकोमोडेशन का भी नहीं कुछ था, मेरी इधर फैमिली है उनके पास आया मैं सीधा पहले। तो भाई जिसकी फैमिली है उसका तो समझ में आता है, जैसे आपकी बुआ थी यहाँ पे तो आप बिना अकोमोडेशन मतलब सॉर्ट आउट करे आ गए क्योंकि घर था रहने के लिए। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अकोमोडेशन कैसे करे, बिना अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करे आ जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? भाई बहुत मुश्किल है, जब मैं इस एरिया में आया था ना, तो पहले स्टॉकटन एरिया में, मैं मिडलसब्रो में आया था पहले, तो मेरे को अकोमोडेशन चाहिए थी, मैं उधर अपनी फैमिली छोड़ के आ गया था कि मेरे को अकोमोडेशन चाहिए। मैं एक रात पूरी, हम दोनों, मेरा दूसरा फ्रेंड भी है, दोनों हम पूरी रात घूमे, फिर जाके अकोमोडेशन मिला। बहुत बहुत मुश्किल है अकोमोडेशन, प्री प्लान करोगे कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा मिल जाएगा पर बेस्ट है वो। और प्री प्लान कैसे करें? प्री प्लान ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है ना, तो उनकी खुद की अकोमोडेशन होती है। मैं तो यही कहूँगा कि उनकी अकोमोडेशन की ना मिनिमम थ्री मंथ्स वाला जो होता है ना, वो करके आ जाओ कि एग्रीमेंट 3 मंथ्स वाला, तो वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब आप रिकमेंड करते हो भाई कि स्टूडेंट अकोमोडेशन लेकर आओ, चाहे महंगी है पर रहने के लिए होगा। मेरे पिछले वीडियोस में भी अगर किसी ने देखा हो तो 2-3 बच्चे मिले थे जो पाकिस्तान से थे, वो भी यही बोल रहे थे। उससे पहले भी बच्चे बोल रहे थे कि ठीक है थोड़ा महंगा है पर कम से कम आपके पास श्योर तो होगा कि रहने के लिए जगह है। एक फैसिलिटी सारी देते हैं, जब आप प्राइवेट किसी के घर में शेयरिंग हाउस में चले जाते हो ना, तो कई ओनर ऐसे होते हैं कि हीटिंग नहीं प्रॉपर चलाते, कुछ वाईफाई नहीं होता, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम होगे यूनिक ही, तो यूनिक का फुल जो हीटिंग सिस्टम होता है ना, वो है नॉर्मल जो बॉडी के लिए पूरा जरूरी है। बता दे कितनी ठंड है इस वक्त? जो स्टूडेंट आता है पहली बार उसके लिए पहली ठंड बहुत मुश्किल निकलती है, दूसरी ठंड में वो यूज्ड टू हो जाता है, तो पहली ठंड में। तो मतलब स्टूडेंट अकोमोडेशन लेने का ये भी फायदा है कि आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो भाई थोड़ा आइल्स का भाई ने बताया क्यों जरूरी है अकोमोडेशन कैसे, जैसे कि बेस्ट यही है कि पहले से ग्रुप्स ज्वाइन करो, ऑनलाइन बात करो, यूनिवर्सिटी को ईमेल करो, तो आपकी हेल्प मिलेगी आपको, एम आई राइट? तो एक और चीज़ ये बताएं इनको कि पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होती हैं और वो कैसे ढूंढ सकते हैं तेरे एक्सपीरियंस में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बैचलर्स में आ रहे हो, बैचलर्स मैं जब आया था ना बैचलर्स में, तो मेरी 5 डेज की स्टडी थी, तो उसमें पार्ट टाइम करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कंप्लीट कर सकते बढ़िया। अगर तुम्हें पार्ट टाइम की तरफ जाना है तो मास्टर जो है, मास्टर वाले कर सकते हैं ईजिली पार्ट टाइम। अगर बैचलर्स में आता है कोई तो बहुत ज़्यादा हेडेक है उसमें, उससे बढ़िया ये है बैचलर्स अपनी इंडिया में कंप्लीट कर लो, मास्टर लेके आओ, 1 ईयर की स्टडी है कंप्लीट करो, उसके बाद PSW अप्लाई करो। बट अभी फ्यूचर में वो भी नहीं दिख रहा, PSW भी शायद नहीं मिल पाएगा हमें। नहीं अभी तो PSW ऑन है, जो बच्चे आ रहे हैं डिग्रीज कर रहे हैं अभी ऑन है, इन फ्यूचर तो जो बच्चे आ रहे हैं अभी और जो प्रॉपर्ली अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं उनको तो PSW मिल रहा है। पर आपने बैचलर्स का जो बोला, पिछले वीडियोज में भी किसी ने यही बोला था कि अगर आप बैचलर्स के लिए आते हो ऑफ कोर्स महंगा भी होता है और फिर मैनेज करना आपको, या तो आपको यू या पढ़ना ही है आपको, तो उसमें आपका बैचलर्स पे फोकस होना चाहिए पढ़ाई। पर अगर जैसे इसने बोला कि अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है काम करने का आपके पास, पर बैचलर्स बहुत हेक्टिक हो जाता है। बैचलर्स मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ, तो बैचलर्स मेरे नॉर्मली क्लासेस थी, जब मैं 9 o'clock मेरी यूनिट स्टार्ट होती है, 9 o'clock मेरी फर्स्ट क्लास होती थी, फर्स्ट लेक्चर, जब फर्स्ट लेक्चर कम्प्लीट करना आफ्टर 2 hours गैप, after 2 hours lecture there is a like a total 3 lectures in a day, 2 hours yeah, okay. And I finish uni at like near 5. So what time were you starting your lectures every day then? 9 in the morning, yeah. And what time were you finishing and your just day? One day we start at 3. Okay, so out of 5 days you were almost starting every day at 9 in the morning, yeah. Only one day you were starting at 3, so you had time, yeah. In the morning, is that, yeah. Right, yeah. So matlab 5 din ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लेक्चर्स लगा रहा था, बस एक ही दिन 5 दिन में इसको ऐसा मिल रहा था कि ये 3 बजे काम कर रहा था तो सुबह कुछ काम कर सकता है, फिर काम ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि टाइम ही नहीं है। पहली बात तो ये है ना कि स्टूडेंट ने जो काम जो करते हैं ना, यहाँ पे काम वाला होता है जो सिस्टम, इसमें ना स्टूडेंट ने काम खराब किया हुआ है थोड़ा सा, कि कोई भी काम करते हैं एक वीक करते हैं छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उनका भरोसा ही नहीं है स्टूडेंट पे, जो भी काम वाला रखता है ना वो पहले पूछता है स्टूडेंट है तो नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है काम, रेपुटेशन खराब की हुई है, रेपुटेशन खराब है पूरी। पर जैसे तू बोल रहा है कि रेपुटेशन खराब की हुई है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे तो बहुत मतलब सीरियसली काम ढूंढ रहे होते हैं, तो मतलब कुछ बच्चों ने ऐसा किया हुआ है, क्या रीजन है? कुछ बच्चे ना जैसे जो मास्टर वाले होते हैं ज्यादातर,
जो जहाँ पे मैं भी काम कर रहा था ना, तो मैं टेकवे पे काम करता था, तो ड्राइवर्स का ज्यादा काम करते हैं वो आके, मास्टर्स वाले। अच्छा। तो ड्राइवर्स वो बॉदर नहीं करते किसी को भी, अगर शॉप ओनर कुछ कह देता है, एक दो बातें कह देता है, क्योंकि वो काम देता है, बोलता है, सुनना पड़ता है, अगर नहीं सुनते नहीं है, काम छोड़ जाते हैं वैसे। तो ड्राइवर वाले काम से तेरा क्या मतलब है? डिलीवरी ड्राइवर जॉब्स, तो उनके पास कार लाइसेंस होता है? इंडियन लाइसेंस को कवर करते हैं ना। तो इंडियन लाइसेंस पे कितने टाइम गाड़ी चला सकते हो अगर आप कार लेकर आए हो, मतलब लाइसेंस? तो अगर आप लोग इंडियन लाइसेंस है आपके पास और आप यूके आते हो पढ़ने, तो आप एक साल, वन ईयर यू कैन ड्राइव, एक साल आप कार चला सकते हो। तो ये डिलीवरी करते हैं। अच्छा। और फिर इनको लगता है कि अब तो बहुत काम है, तो फिर ये किसी की नहीं सुनते और छोड़ देते। हाँ, अगर कोई कुछ बोलता है तो छोड़ देते हैं, उससे फिर उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है, स्टूडेंट की इमेज खराब होती है। पर आई एम श्योर भाई कि सब ऐसा नहीं करते होंगे, कुछ ही लोग ऐसे करते होंगे। कुछ करते हैं ना, उनकी वजह से स्टूडेंट की इमेज खराब है। पर यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं 8 मंथ से वही काम कर रहा था। आप कहाँ काम कर रहे थे? मैं टेकवे था, वहाँ पे काम कर रहा था। 8 साल वहीं काम किया, सॉरी 8 महीने वहीं काम किया। 8 महीने वहीं पे काम किया। तो 8 महीने स्टेबल जॉब थी। इंडियन टेकवे था? हाँ, इंडियन, पाकिस्तानी ओनर था। पाकिस्तानी ओनर था। तो मतलब जब स्टूडेंट्स आते हैं वो डिलीवरी ड्राइवर की जॉब्स कर सकते हैं अगर लाइसेंस है, तो मतलब कार चला सकते हो आप, ड्राइवर वाली जॉब्स कर सकते हो, पर खर्चा बहुत ज़्यादा है कार का, MOT का और इंश्योरेंस का। तो अगर कोई, जैसे अभी हम टेक अवे में काम करने की बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स में, टेक अवेज में, अगर कोई बच्चा 20 आवर काम कर सकता है, कैसे ढूंढे वो ये काम? तो 20 आवर तो मोस्टली वो अपना CV बनाए। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं इंडीड है जॉब के लिए। अब सीधा गूगल में लिखोगे ना कि जॉब्स इन दिस एरिया, या यू कैन इजीली फाइंड एनी जॉब। देयर इज अ मेनी साइट्स ऑन गूगल, यू कैन फाइंड जॉब्स, जस्ट जिस सर्च ऑन जॉब्स इन दिस एरिया। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग एट जॉब्स इन लंदन, मिडिलसेक्स और लंदन सिटी सेंटर और लेस्टर सिटी सेंटर और बर्मिंघम सिटी सेंटर, जस्ट टाइप ऑन गूगल एंड उस पे आ जाएगा क्या जॉब्स हैं। ठीक है। इजीली गेट एंड मेक अ गुड CV, अप्लाई फॉर इट, एंड यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर। व्हाट डू यू मीन बाय गुड स्पीकर? गुड स्पीकर इन इंग्लिश, यू नो, व्हेन यू गो फॉर द जॉब, या दे विल आस्क सेवरल क्वेश्चंस फ्रॉम यू, या एंड इफ यू आंसर कॉन्फिडेंटली, दे विल इजीली गिव यू अ जॉब। एंड इफ यू आर स्केयर्ड, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, if you not worked on your personality, you are scared of speaking, then it's a problem. मतलब अगर आप ठीक से वही बात पे आ गए, इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो उन काम नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिर वही दिहाड़ी मजदूर वाला। आप पंजाब से आए हो, तो ये और बता दो कि अपनी इंग्लिश कैसे बेटर करें हैं लोग? नॉर्मल इंग्लिश जो है ना, सभी समझ लेते हैं, तो अगर अपनी ग्रामर है ना, जो अगर अपनी ग्रामर सुधार लोगे, तो आपकी इंग्लिश ना, अगर आप 40% भी बोलते हो ना, तो 80% हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और उसके लिए प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन जस्ट अपनी ग्रामर जो है ना, ग्रामर ये मत छोड़ो, इससे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस ये पता हो ना, तो अपनी बात इजीली समझा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता ना कुछ भी, कनेक्टर्स नहीं लगाने आते, किसी बात बोलते हो बीच में रुक जाते हो, तो मुश्किल है। और वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जस्ट ग्रामर, जस्ट रिवाइज ग्रामर। और प्रैक्टिस कहाँ करें? घर, मतलब IELTS दें और ये सब? या यू कैन डू IELTS एग्जाम, and if you don't want to do IELTS exam, just want to come without IELTS, you can do on a, like you can go coaching for coaching school. There is too many coaching school in Punjab and overall India, there is also too many, and you can go and easily take classes. So you think they can learn in coaching schools? Mein seekh sakte hain coaching schools genuine hai, aap seekh sakte ho ya bogus hai? मैं तो भाई ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े नाम के कोचिंग स्कूल है ना, उनको अवॉइड करो, जितना अवॉइड कर सकते करो। जो छोटे 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 कद पे होते हैं ना, उन पे जाओ। पता क्या है, एक तो उनके जो स्टूडेंट पावर होती है ना, उनके मतलब उनके पास स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, वो हर किसी पे ध्यान दे पाते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया, मतलब भाई थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी जो देख रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। और क्या अपने भाइयों को इंडिया में बोलना चाहते हो, जो भी देख रहे हैं बच्चे जो आना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनको क्या बोलना चाहते हो आप? मैं तो जी एक गल कहना चाहना कि जे तो तुम इतने पढ़ाई कर आ रहे हो तो बेस्ट है, तो पढ़ाई अपनी कंप्लीट करो तो बेस्ट है, तो जे तुम नहीं पढ़ाई तुम्हारा मोटिव है सैटल होना, तो कुछ इदा की स्किल लैके आओ कि तुम कोई कंपनी जो कोई कवे ना कि स्पॉन्सर कर सके तो सैटल हो सको, तो जे तुम इदा की स्किल लैके नहीं आते तो तुम बस दिहाड़ी लाने वाले रह जाओगे, बस होर कोई काम नहीं आना हाथ जिंदगी। भाई थैंक यू सो मच, आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं इनको बहुत आइडिया मिलेगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। यार मैं इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ, अपना भाई मिला है पंजाब से, इसने इतनी सारी स्टोरी अपनी शेयर करी, आई होप आप सबके काम आए।
कुछ भी पूछना हो कमेंट करो नीचे, मैं कोशिश करूंगा और वीडियोस बनाऊं और ऐसे सवाल पूछ पाऊं अपने भाई ऐसे ऐसे भाइयों से कि जो लोग देख रहे हैं उनको हेल्प मिले। बाकी यार मेरा यही काम है और यही करना है भाई। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू तेरे टाइम के लिए, और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू, स्पीक टू यू, थैंक यू।